अरसलान भाई जी भाई मैम से पता कर लें कि लेक्चर स्टार्ट होगा। यार बताया तो है 10-15 मिनट तक मैम आएंगे। मैम आई हुई तो है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजी हो गए मैम, वेट तो करो। तो फिर आप हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। हाँ जी बस कुछ ना पूछे क्या हो रहा है। ओके तब तक बताएं हमने कल क्या पढ़ा था, शाबाश उसको रिवाइज कर दें काइंडली प्लीज। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो बेटा मैं वही तो आपसे कह रही हूँ रिवाइज कर दें। क्या पढ़ा था हमने कल? मैम कल मैंने क्लास नहीं ली तो मुझे तो पता नहीं है। तो जिन्होंने ली थी वो तो बता सकते हैं ना मैम? दो बड़े बंदों ने क्लास नहीं लिया, रिवाइज करना पड़ेगा। ओहो तो जाती हो गई ना। रिवाइज नहीं, आप लोग उस लेक्चर को दोबारा सुन लें ठीक है, अपलोडेड तो है वो। ई कॉमर्स के बारे में बताया था मैंने और वो तो मे भी आप मतलब बिजनेस टू बिजनेस उसके फंक्शंस बताए थे, बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये टर्म्स क्या होती हैं। तो काइंडली जिन्होंने नहीं लेक्चर लिया वो अपना कल वाला लेक्चर सुन सकते हैं। मैम जी बेटा अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे? हाँ जी अपलोड कर दिया था मैंने, लेक्चर लिंक भी तो शेयर किया था, गूगल क्लासरूम में चेक करें। मैं चेक करती हूँ। और मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशंस दी थी बेटा ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जो है वो आप चले ठीक है नेक्स्ट वीक में दें मुझे, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और गाइड कर देती हूँ। लाइक मैंने ये कहा था कि आप लोग कोई भी टॉपिक ले लें, मोटिवेशनल टॉपिक हो ठीक है, आप उसके साथ कंप्यूटर को रिलेट करें क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का दौर है ठीक है, उसको कंप्यूटर के साथ रिलेट करें। नहीं करना तो आप उसको जनरल कोई भी टॉपिक लें और दूसरे के लिए ना फ़ायदे का हो, पता चले कि मोटिवेशनल टॉपिक है ये, दूसरे को फ़ायदा दे सकता है ठीक है। बिज़नेस से एलिमेंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है कि आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिज़नेस कैसे स्टार्टअप करें, जो अपना बिज़नेस करते हैं वो तो चले इस चीज़ से एलिमेंट कर ले, बाकी जैसे एक बच्ची कह रही थी एम के ऊपर दे दो तो वो एम के ऊपर दे ले। और भी मैम जी, जी बेटा मैम जी प्रेजेंटेशन बना के नहीं है वैसे, मतलब बोल के भी दे सकता है या नहीं? प्रेजेंटेशन तो शेयर करनी है ना, आप मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग किस टॉपिक के ऊपर दे रहे हैं, क्या आपने लिखा है ठीक है, वो हम शेयर करेंगे ना एक दूसरे के साथ। जी मैम कल वाले लेक्चर तो लिंक नहीं है जीसीआर पे मैम, चले मैं वो अपलोड कर देती हूँ, मे भी ना किया हो मैंने, लेकिन मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ यूट्यूब के ऊपर। हाँ। जिन्होंने बना ली हुई है मैम जी? जी 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 बना ली है। तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपने तो बना लिया है तो दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, प्रेजेंट कर दें फिर आज ही करें प्रेजेंट करें, शाबाश। शेयर करें योर मतलब स्क्रीन को शेयर करें। जी मैम जी ओके मैम, मैं 5 मिनट तक करती हूँ, हमारी लाइट ऑफ थी और अभी आई है तो अब मैं करती हूँ। जी जी डेफिनेटली करें, शाबाश। ओके मैम जी।
मैम ये होमा ने लेक्चर देना है आज, तो बोलो गरारे करके आया तेरे। लेक्चर नहीं, वो आपको प्रेजेंटेशन देगी ना। ओके मैम, वो देगी फिर उसके बाद मैं दूंगी। ठीक है मैम, शुक्रिया मैम, सुन रहा हूँ मैं। मैंने तो फाइंड आउट कर लिया था आप लोगों का, ठीक है जी। हमने तो पढ़ना था सिक्योरिटी एंड कॉपीराइट, इसी चीज़ से रेलिवेंट पढ़ना है। मैम आज हमारी क्लास में एक न्यू गर्ल ऐड है, मारी अंबर, पता नहीं वो कौन है। हु इज, उसको रिमूव कर दें। मैम देखें, वो खुद ही लेफ्ट हो गई है। तो अरसलान को पता है इसने किस किस के साथ लिंक शेयर की है। नो मैम, मैंने तो व्हाट्सएप में वो लिंक शेयर किया है। मे बी वो मतलब जी होगा ना, हर किसी के पास लिंक जाता है। नेम चेंज होगा यार। हाँ हाँ, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ऐसे। लेफ्ट क्यों बैठी? बस ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। हम अच्छा हुआ लेफ्ट कर गए। वो पहले भी ज्वाइन किया था, फिर लेफ्ट हो गई, अब फिर ज्वाइन किया होगा। हाँ जी बेटा, कर दे शेयर, नहीं तो फिर मैं करूँ लेक्चर स्टार्ट। मैम आयशा ने भी बनाई है, वो भी कह रही थी कि मैंने प्रेजेंट देना करनी है, तो कह रही आयशा कर देना फिर। लोग सारे छोड़ो, मैं ही करती हूँ प्रेजेंट। जी मैम, जब ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे आप लोगों की। हम कर रही है, हम कर रही है प्रेजेंट। चलें उमा से गलती हुई है लगता। मैंने अपना माइक ऑफ कर लिया होगा, पता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्टैंडिंग हुमा इफ्तिखार इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। Today my topic of presentation is to create a motivational speech on how to achieve your goal. How you can achieve your goal, how to get destination, and how you can handle or face hardships, when you can do patience in achieving your goal or destination. First of all, as I said, our topic is to create motivational speech on how to achieve destination. So it is very compulsory for us to know first what is motivation. So here you can see what is meant by motivation. The term motivation is derived from the Latin word movere, meaning to move or to energize or to activate. Motivation is a learned skill. The most intelligent students can be outperformed by less bright students with higher motivation. For example, here it is saying the bright students can motivate less students, and in the same way parents can motivate their children, and they definitely motivate their children, and a teacher motivates his students. The next you can see here is the characteristics of motivation. What are the characteristics of motivational speech? A motivational speech have the following characteristics.
इट शुड कंबाइन रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड मेमोरेबल एंड इंस्पायर्ड मोटिवेशनल स्टोरीज. वैरायटी ऑफ पर्सुएसिव स्पीच. पर्सुएसिव स्पीच मींस इंप्रेसिव स्पीच. द लिसनर शुड बी इंप्रेसिव बाय योर स्पीच. इट शुड बी पर्सुएसिव. इट शुड नॉट बी बोरिंग. द स्पीच शुड बी प्रैक्टिकल. It should leave an impact on listeners. The most important thing, the characteristics of motivational speech is that it should leave an impact on listeners. It should not leave fear on listeners. It should impact on listeners. The speaker must follow on imperative mode through the speech. Not the speaker get fear from your speech. Are you getting me, students? Yes. Entertaining, yes. It should be, okay, that's right. Entertaining, it should be entertaining, not boring. Try to be humorous through the speech. Try to be, you know what, humorous through your speech. The speech should be energetic and interesting for your listeners. Your listeners should be grabbed by your speech. So it was introductory part of our topic. Now without any delay, we move to our main topic. Now first of all, what is meant by destination? Destination is the place to which someone or something is going or being sent. For example, Biermann defines destination as a country, as a state, region, city or town which is marketed or markets itself as a place for tourists to visit. Destination, in a simple words, destination is a place, is a thing that visitors, tourists are come to visit. Achievement of someone. Destinations are naturally formed or can be constructed. Now there are steps and rules how we can achieve destination. First of all, you can see in bullet points, first of all I have written plan. Plan is too much compulsory. Without planning anything, nothing can be achieved. And the next point is focus. Without focus on our plan is fake. It is not our plan. It's just a fake dream that we cannot achieve. So first of all, it's compulsory for us to make a plan or a map for our work. And then we have to focus on our work. And then the third point is, as you've seen, is a confidence. We have to confidence. We don't have to lose our confidence during our work. We have to do patience. We have to do belief. We have to do practice. And we have to courage to face failures. We have to ability to appreciate our success in your limits. Don't be our confidence. Here is the most important thing that you are saying. Have courage to face failures. Having ability to appreciate your success in your limits. First of all, you have to face, you have to courage to face a failure. You have listened to example, Thomas Edison made bulb 100 times, but he faced failure 99 times. And someone asked him, you failed 100 times, but Thomas Edison replied in a very good way, I doubt the way, that way, 99 ways from which bulb cannot be made. So the courage to face failure is too much important when we are achieving our destination and we are on the way of our getting success. Or we have to having ability to appreciate our success in your limits. आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग जब उन्हें सक्सेस अचीव होती है तो वो एप्रिशिएशन तो करते हैं बट दे क्रॉस देयर लिमिट्स. दिस इज अ वेरी बैड थिंग. एंड व्हेन यू क्रॉस योर लिमिट्स देन यू आर अगेन यू आर नियरली टू लूज योर डेस्टिनेशन. एंड देन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. यू हैव टू डोंट बी less confidence and don't be overconfidence. You have to be confident on your work. If you will lose your confidence, then you will not achieve your destination. And if you will be overconfident, then it will also damaging thing for you. And it is also a point, dangerous point, when you have achieved your destination, but in fact, when you are overconfident, then you are unable to achieve your goals or destination.
and always have humidity or not be tactless. This is also most important thing. You also have to humble in your work while you have achieved your destination, while you are on the way, while you have achieved your success, then you have to be humble. Then you have to humble your people, then you have to humble with your colleagues, then you have to humble with your family members, then you have to humble with your surroundings, then you have to humble with everyone and not to be characterless. This is also most important thing. Most people when they achieve destination, they are characterless, but it is not good thing. And when you characterless, this is too bad thing, and you are you are nearly to lose your destination or your thing that you have achieved. You are nearly to lose that thing. And don't jealous of anyone. This is most important thing. What you have, nothing one can have. Do not compare yourself with other. It is a very good thing, and don't jealous of anyone. I hope you have realized those things. Next we move. Realization of destination points. What is realization of our points? What we have discussed, and what is the realization of destination? What we have discussed previously. Okay, first of always remember that your present situation is not your final destination. As I have discussed you before, that don't be overconfident and don't be characterless. Always remember that your present situation is not your final destination. And the next, I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. Anyone cannot change the direction of the wind, but wise people can change and adjust their sails to always reach their destination. In simple words, we can say we cannot change anyone, but we can change ourselves. We can change our motives to get our destination or achieve our goal. Sometimes it's a journey that teaches you a lot about destination. As I have said to you, that failure is a key to success. You have to courage to face failure, because sometimes it's our journey that teaches us a lot about our destination. It's our journey that tells us how to manage things, how to handle things, how to handle hardships, and how to face hardships during our work. But we have courage to face failure, because failure is not a bad work. Failure is a key to success. And I have discussed, don't be overconfident. He who does not know how to look back at where he came from will never get to his destination. वो इंसान जो ये भूल जाए अपने मुकाम पे आके, ये भूल जाए कि वो कहाँ से आया था, then वो अपनी destination पा के भी नहीं पा सकता. This is most important thing. Don't be overconfident, because overconfidence also loses a person in a very bad, miserable situation. Overconfident leaves a person in a very, very miserable situation, and it is very it is a very funny thing for all over the world. So you don't have to be overconfident. If you are able to achieve things, then to be confident, but not to be overconfident, because a person who does not know how to look back at where he came from will never get to his destination. And one's destination is never a place, but rather a new way of looking at things. जैसे कि इकबाल ने कहा है, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है. Because we have to fly and fly. We don't have to stop anywhere. We have to be overconfident. We have to live our race. It is our race. Life is like a race. We have to run it, we start our journey when we born. It lasts when we die. So don't if you reach on your destination, don't be overconfident, because you always on the way. And I have discussed importance of plan as anything about doing anything. Plan is necessary. Without plan, it is empty. Emptiness is occurred in everything. For example, if you wish to fly to new heights, begin by setting your sights on a destination. You can reach and then create a flight plan.
a map that will be your guide. Plan actually is your guide. If you wish to fly, अगर आप new highs पे flies करना चाहते हैं, begin by setting your sights on a destination. First of all, you have to steer your sights on a destination. You have to set your goal first, and then you create a map or a plan to get that destination or a goal. Hard work importance while achieving destination. Hard work is the key to success. You have to work hard during your destination. You don't have to be laziness in your while achieving your destination or in the way of success, because success is not a destination. Always remember, success is not a destination, students, but the road that you are on. Success is not a destination, but the road that you are on. And it is always the road that you are on. And you walk and you are walking. And you will walk. You can only live your dreams by working hard. Towards by working hard. By working hard towards it, that's living your dreams. You have to work hard to living your dreams. This is, hard work is the key to success. And then I have said, you have courage to face failure. Failure is the key to success. By trying or practice or to be skilled with your work can make you a successful person. Or you can get rid of failure by doing work hard or try again and again or gaining skill in your work. As I have told you the example of Thomas Edison, how he achieved his aim by doing 100 times. He did 100 times and he tried to make 100 times bulb. And after, in the last time, he made bulb. And students, as I have told you, a goal destination without a plan is just a wish. Without focus on your plan is just like an unfulfilled dream. Doing no hard work on your plan is just an imagination. Without having confidence on your work is just like a neat person. Neat person is that person, is not brave person. Urdu mein hum kahenge buzdil insaan. Without confidence on your work is just like a neat person. Without patience during hardship and without practice is just like glutton man. Glutton man is that we don't have patience. Means Urdu mein hum log bolenge ise besabra insaan. Without belief in your work is just like sign of disbeliever. Disbeliever jisse khud pe yakeen hi na ho. First of all, self believer is too much important. When you become a self believer in your life, then it is a very important goal that you have achieved, first goal in your life. So don't lose your belief. Always believe in yourself. Without practice upon your work is just like only imaginative man. Imaginative man, aap log samajhte? Imaginative man is just a man that is a, you know what, Urdu mein hum log ise bolenge ki khayali insaan. Without practice upon your work is just like only imaginative man. For example, if a man who imaginative things but doing nothing on his plans, so his plans only imaginative for himself, not for others. Yaad rakhiyega, jo aap imaginative karte hain wo sirf aapke tak rehti hai. Jab aap us pe koi practical work karte hain tab use duniya dekhti hai, iske ilawa nahi. Jo aapke zehen mein use kaun dekhta hai, wo aapne use practical aapne use karna hai. थ्योरेटिकल से आपने प्रैक्टिकली में आपने टूवर्ड होना है और आपकी प्रैक्टिकली को दुनिया अप्रिशिएट करती है, नॉट कि आपकी इमेजिनेटिव को. और अगर आप सिर्फ इमेजिनेटिव ही रहेंगे देन यू आर नॉट अ परफेक्ट मैन, इवन यू आर नॉट अ कंप्लीट मैन. परफेक्ट तो बाद की बात है. विदाउट प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड द फेसिंग फेलियर आई एम अगेन सेइंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द बल्कि यू नो व्हाट, रियली नॉट रियली बट मोस्टली पीपल यू नो व्हाट गेट फियर्ड फ्रॉम फेलियर. बट फेलियर इज नॉट अ you know what, from failure we don't have to get feared, because a failure is a sign of bravery and it's a key to success. Facing failure is a sign of bravery. Ab aap log ye nahi kahiyega ki failure is a sign of bravery ki hum log fail hote jaye, Allah na kare,
आई एम सेइंग देन यू आर गोइंग टू अ वेरी यू नो व्हाट अचीविंग अ वेरी गुड डेस्टिनेशन एंड और हर काम में फेलियर एंड सक्सेस होती है. और अगर आप फेसिंग फेलियर कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप काम छोड़ के रखते हैं कि नहीं ये नहीं होगा. बट यू कैन डू, यू कैन डू दैट नथिंग कैन डू, नो वन कैन डू बट यू कैन डू. जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता. सो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ यू नो व्हाट सक्सेस. फेसिंग फेलियर इज अ साइन ऑफ ब्रेवरी. और जो लोग फेलियर को फेस करना जानते हैं ना, करेज रखते हैं फेलियर को फेस करने का, वही ब्रेव पीपल होते हैं. और जो फेलियर को फेस करना है वही साइन है ब्रेवरी का. और फिर यही की बनती है हमारे सक्सेस की. जैसा कि हमने बहुत से अपने लीडर्स को लिया है, हम कायद को लेते हैं, उन्होंने एक ही दफा से पाकिस्तान ही बना दिया, उन्होंने इमेजिनेट किया और पाकिस्तान बन गया. नहीं, ऐसा नहीं था. उन्होंने ड्रीम देखा, मतलब अलामा इकबाल ने ड्रीम देखा, वो कायद अजम से शेयर करते हैं एंड देन वो प्रैक्टिकेबल करते हैं, थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में लेके आते हैं. वो बहुत सी हार्डशिप्स फेस करते हैं एंड देन देयर आर सो मैनी ईयर्स दैट टेक्स एंड देन वी गेट पाकिस्तान, यू नो वट ऑल. एंड जितना भी हम बड़े लीडर्स को देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको थॉमस एडिसन की एग्जांपल दी एंड देन और जिसकी वजह से देखें हम आज इतनी इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं यूज, उसने एकदम से ये सोच के नहीं बना दिया था. ही फेस फेलियर्स एटलीस्ट 99 टाइम्स, एवरीवन नोज. बट जो लोग फेसिंग फेलियर को ब्रेवरी कहते हैं, साइन ऑफ ब्रेवरी कहते हैं, वही इंसान ब्रेव होते हैं. एंड इट इज key to success, it is not shaming thing. So without practice, facing failure is a sign of shame, but without practice and practice you get success. Failure is a key to success, so always remember this thing. And overconfidence is not a sign of success, it's a sign of weakness. Last mein jaisa ki Allama Iqbal farmate hain, फरंग से बहुत आगे है मंजिले मोमिन, कदम उठा ये मुकाम इंतहाए राह नहीं. ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए. थैंक यू सो मच. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड वेल. आई ट्राइड अ लॉट दैट यू पीपल अंडरस्टैंड इजीली. आई होप यू विल अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन आस्क मी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल द कंटेंट देन यू कैन आस्क मी. आई एम हियर. There was a motivational speech, so I have no questions for you. Anyone okay, else? I think you really tried because I, you know what, I explained in a very easy way for you people. Yes, yes, definitely. Well done, well done, Huma Iftikhar. Keep it up. Yes. Ma'am, ये क्या recording चल रही है? Yes. And. Definitely, देखे मैं. Thank you so much, ma'am जी. जी my player बेटा. जी बेटा इस चीज से मुझे एक और चीज याद आई है कि motivational जो होती है ना, powerful motivational rejection होती है. सबसे powerful motivation आपकी rejection होती है. जितनी time आपको reject किया जाएगा ना, उतनी time आप उसको और ज़्यादा skills enhance करेंगे अपने आप को motivate करने की. अब कुछ लोग होते हैं वो इसको गलत सेंस में ले लेते हैं कि हमें रिजेक्ट कर दिया मैं दोबारा नहीं उठूंगा. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको रिजेक्शन मिली है, अगर आपको रिजेक्शन मिली है तो उसको पॉजिटिव पॉइंट लें, पॉजिटिव साइन लें. बिकॉज अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो उसके दिल में आपके लिए कोई पॉइंट है, आपकी वैल्यू है, आपकी वर्थ है. इस पॉइंट को सोचा करें. अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो समझे कि उसने आपको केयरफुली सुना है, उसने आपको केयरफुली समझा है. yes, उसका फोकस है आपके ऊपर, वो चाहता है कि आप कुछ बने. हाँ जी जी हुमा, हमें बहुत मज़ा आया आपकी मोटिवेशनल स्पीच सुन के. होप सो आप सब लोगों को भी मोटिवेशन जो है वो मिली होगी. ठीक है. इससे पहले मतलब लेती हूँ मैं प्रेजेंटेशन, उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा लेक्चर पढ़ा दूँ. ठीक है. ओके मैम जी. ओके मैम जी. मैम ये हम रिकॉर्ड करके करेंगे प्रेजेंटेशन जो भी होगी. प्रेजेंटेशन क्या रिकॉर्ड करनी है या सिंपली हमने ऐसे ही लाइव देनी है? लाइव तो देनी है. अब मैंने तो रिकॉर्डर ऑन किया था अपने लेक्चर देने के लिए. अब वो होगी, अच्छी थी, अच्छी बात है, पूरी दुनिया भी सुन लेगी तो कोई इशू नहीं है. इसमें मोटिवेशनल स्पीच है, सबके लिए है मोटिवेशनल स्पीच.
मुझे तो लगा था कि मतलब आईटी की होगी, आईटी से रिलेटेड हम जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मैम प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, पर ना इसमें थोड़ा सा उर्दू अगर शामिल हो जाता ना बच्चों को समझ तो आ जाती मैम। हाँ जी, तो आपको तो समझ आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। लेकिन बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी गिफ्ट है इसपे। अब मैं ये बताना पसंद करूंगी कि बाकी स्टूडेंट्स ने बस इंग्लिश ही सुनी है। मैं स्पीक करती हूँ हर बच्चे को, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे उन्होंने बस इंग्लिश सुनी है कि ये बहुत अच्छी स्पीकिंग कर रही है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ गुड। एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तो समझा है बिकॉज उनको समझ आ रही है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो समझने ही नहीं चाह रहे थे, वो बस फोकस कर रहे थे इंग्लिश के ऊपर। तो हुमा, आप ये अपनी जो मोटिवेशनल स्लाइड्स बनाई हैं, आपके जो की पॉइंट्स हैं मोटिवेशन से रेलिवेंट, आप अपने गूगल क्लासरूम में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने बोला था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको जो स्पीच देते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं, वो आप इंग्लिश में ही करते हैं ज्यादा, और इसी वजह से मैंने तो फिर भी थोड़ी उर्दू कोट किया, लेकिन मेरी सिस्टर तो ये भी नहीं करती, उन्होंने ही मुझे सिखाई है। डेफिनेटली गुड है, अच्छी बात है। आप देखिए कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए आप लोगों में इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए हमें। मैम वो यही कहती हैं, अगर आप अपने प्रोफेशनल होंगे तो फिर कब होंगे, अब तो यूनिवर्सिटी आ गई है आप लोगों की। डेफिनेटली सो मैम, मैंने इसलिए किया, लेकिन मैंने उर्दू में भी थोड़ा किया, वो तो मुझे ये भी कह रही थी इंग्लिश को सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश में करो, उर्दू में ना करो। मैंने कहा थोड़ा सा तो कर लेने दो। नहीं नहीं, यस नॉट एट ऑल, बहुत अच्छा था। मैं मतलब बाकी स्टूडेंट्स भी हैं तो बेटा मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जो है ट्राई किया करें। देखो घर बैठे हो, कोई टीचर सामने नहीं है, तो देखो खुद ही बोलना है, रूम बंद करें और स्टार्ट हो जाए बोलना। हां घर में सिंगर नहीं आते, क्या करें। मैं ना अपने कजन के साथ देख रहा था, एक पीएचडी का स्टूडेंट है और एक मतलब एमबीए एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट है, तो वो दोनों हम वो भी साथ सुन रहे थे प्रेजेंटेशन, पता नहीं अब उनके क्या रिव्यूज हैं। तुम मतलब चले आप अकेले बैठ के लेक्चर लिया करो, ठीक है, आपकी क्लास होती है ये। एनीवे पूरी दुनिया नहीं सुननी है लेक्चर, तो मैं लेक्चर तो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते तो सारी दुनिया ही सुनती है, तो ये बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। इतने माशाल्लाह हमारी बहन ने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन बात यह है कि देखें इन स्टूडेंट का लेवल क्या, ये कोई पीएचडी का स्कॉलर नहीं बैठे हो या अच्छा बेटा ये चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं करनी हमने, हमें अपना लेक्चर पढ़ाने लगी हूं। उर्दू में थोड़ा सा पता है, इन बेचारों की इंग्लिश कमजोर होती है, तो छोड़े सब बातों को यार, प्रेजेंटेशन थी वो हो गई है बस। अब मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि मैं उर्दू में ही दे दूं। और बेटा बी क्वाइट प्लीज प्लीज प्लीज, दैट्स ऑल, ओवर हो गया, ठीक है। इतनी भी टफ इंग्लिश नहीं थी, इट्स सो इजी, इतनी वो मतलब लाइट इंग्लिश थी ना, अगर वो एडवांस होती तो फिर मैं खुद कहती कि बेटा उर्दू में दे, ठीक है। एनीवे बहुत ज्यादा लो इंग्लिश थी, बस उसका स्टाइल था बोलने का, डेफिनेटली इट वाज इंप्रेसिव। सॉरी कहता हूं मैम, पूरी क्लास की गलती, वो मोबाइल उसने पिक कर लिया। नॉट एट ऑल, इट्स ओके फैसल। एंड प्लीज देखिए अभी वो मोटिवेट कर रही थी, तो यू हैव टू डिस्करेज हर। मैम जी मैंने तो अपने सिस्टर से भी बोला था कि मुझे ना थोड़ी उर्दू में करने दो, तो वो कह रही थी कि सिंपल इंग्लिश है तुम कर दो, तो इसीलिए मैंने कर दी, वरना मुझे पता है मैम मैं उर्दू में ही करती थोड़ी, मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश और उर्दू मिक्स कर कर। नॉट एट ऑल, इट्स ओके, इट्स ओके, नाउ प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक एंड लीव दिस। ओके मैम जी, नेक्स्ट जो है वो सब उर्दू में दे दें, ठीक है, इंग्लिश में दें, बनानी तो स्लाइड्स इंग्लिश में ही है, ठीक है। जैसे देखिए सबको समझ आ रही है वैसे कर दीजिएगा, तो ये बेसिक पर्पज आप सबके लिए ही है, मेरे लिए नहीं, मुझे तो सारी समझ आ रही है, मुझे तो बहुत एडवांस लेवल की बोल है वो भी समझ आ जाएगी। एनीवे बस मुझे आपसे यही कहना है कि बिकॉज ये आप लोगों के लिए थी, आप लोगों की क्लास के लिए प्रेजेंटेशन है, ठीक है। बिजनेस से रेलिवेंट हो गया, मोटिवेशन हो गया, एम हो गया, ये कोई भी आप आईटी से रेलिवेंट ही टॉपिक ले रहे हैं ना, तो ये आप अपने ही कोलीग्स को समझा रहे हैं, तो फिर जैसे उनको समझ आती है ना उनकी लैंग्वेज में उनको बताएंगे। ओके ओके मैम जी,
चले जी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं भी इसीलिए ही थ्रू आउट इंग्लिश में लेक्चर नहीं देती, ठीक है। अदरवाइज़ बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो यही होते हैं कि यूनिवर्सिटी में एंटर्स हो गए ना स्टूडेंट, तो अब टोटली थ्रू आउट आप लोगों को लेक्चर जो है वो इंग्लिश में देना चाहिए। मैम वैसे वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो एक पीएचडी की हुई है एक ने, तो दूसरा वो एमबीए वगैरह कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल में होती इंग्लिश है, पर ना अभी तो आप स्टार्टअप में है ना, अभी पहला सेमेस्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताएं फैसल, लिसन टू मी, मुझे बात मेरी बात सुने। अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर से स्टेप नहीं लेंगे तो एंड तक अपनी जो देखिए, अभी तो मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ ना प्रेजेंटेशन देने के लिए, आई डोंट नो कि बाकी टीचर्स ने कहा कि नहीं। Yes, ma'am, किसी ने नहीं कहा, तो मुझे पता है कि मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना है, मुझे आप लोगों में एक स्किल्स डेवलप करनी है। आप लोग बोलें, आप लोग खुद को रिप्रेजेंट करें। Yes, ma'am, उसकी ma'am, वर्डिंग भी हमें मोटिवेट करी थी और उसकी लैंग्वेज स्पोकन जो थी वो भी हमें मोटिवेट करी थी कि ऐसे तो बोलना मेरा चाहिए, नहीं चाहिए, किसी को कोई इश्यू होना चाहिए। तो चलिए बस इशू वाली बात है, ठीक है, इशू वाली बात है नहीं है, तो इशू वाली बात पे अब डिस्कशन नहीं करनी। बस ये है कि बहुत अच्छा था, बहुत इम्प्रेसिव था मैम, क्लास स्टार्ट करें। आप लोगों के पॉइंट्स भी अच्छे थे उसके, ठीक है, मोटिवेशनल टर्म्स बहुत अच्छी थी, कंटेंट इज वेल एंड वेल गुड। क्या बात, थैंक यू सो मच मैम जी, माय प्लेयर डियर। चलें जी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, प्लीज 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 स्टॉप इट। लेक्चर नंबर जो है, सॉरी, चैप्टर नंबर है हमारा 13, ठीक है, ये आपकी बुक है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसका ही चैप्टर नंबर 13 है। तो अब हमने जो स्टार्ट करना है, देखिए हमने चीज़ें सारी वो पढ़ ली, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स देख ली, उनमें डिफरेंस देख लिया, फिर उसके बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखा, जो भी आपका बेसिक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, उसमें हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखे, MS Word, PowerPoint, Excel, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला उसको भी हैंड जोन हम देखेंगे ज़्यादा इन डिटेल में, बाकी जो वर्ड के अलावा, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद हमने मेमोरीज़ को देखा, डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज़ देखी, मेन मेमोरीज़ देखी, सेकेंडरी मेमोरीज़ देखी, और मेन मेमोरी में मैंने आप लोगों को बताया रैम, रोम, कैशे, ETC। वैसे तो बेसिकली टू टाइप्स की होती है ना, रैम और रोम, बाकी इसमें रजिस्टर्स भी आ जाते हैं, इसमें कैशे मेमोरी भी आ जाती है, इसमें बफर्स भी आ जाते हैं, एंड दैट्स ऑल। फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी मेमोरीज़ में देखा, हार्ड डिस्क होती हैं, CDs होती हैं, DVDs होती हैं, USB फ्लैशेस वगैरह होती हैं, कोई भी स्टोरेज मीडिया जो आप एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में एक और पार्ट होता है जिसे हम टर्शरी मेमोरी कहते हैं। टर्शरी मेमोरी आपकी एक्चुअली USB और CDs, DVDs, ये आपकी टर्शरी मेमोरीज के अंदर कैलकुलेट होती हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे हम। फिर हमने नेटवर्क्स को देखा, नेटवर्क्स के अंदर मैंने आप लोगों को डिफरेंट नेटवर्क्स की टाइप्स बताई, क्लाइंट सर्वर और आर्किटेक्चर के बारे में बताया, टोपोलॉजीज देखी हमने, एंड लैन, मैन, वैन, ये सारे हमने नेटवर्क्स की टाइप्स देखी थी, इंटरनेट देख लिया, ईमेल हो गया हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW को देखा, ई कॉमर्स मैंने आपको बता दिया। उससे पहले हमने ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिस का एक टॉपिक आया था, वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है वो भी देख लिया। हाँ जी भाई, CBT के बारे में कल बता रही थी मैं, और डिस्टेंस लर्निंग, तो इनको हम देखेंगे, CBT और डिस्टेंस लर्निंग को इन डिटेल। लेकिन मैं थोड़ा सा CBT का कॉन्सेप्ट बताया था, कंप्यूटर जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है ना, किसी भी ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जहाँ पे भी कंप्यूटर की टर्म यूज़ हो रही है, कंप्यूटर पर्पज़ है वहाँ पे यूज़ करना हमारा, तो वो जो भी टेक्नोलॉजी है, वो जो भी ट्रेनिंग है, वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा। अगर वो एजुकेशन में यूज़ हो रहा है तो एजुकेशन बेस्ड जो है वो ट्रेनिंग है, लेकिन है तो कंप्यूटर का पार्ट ही ना, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं हम उसके अंदर, ऑनलाइन है आप यूज़ कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर कल सारी टर्म्स बताई थी, तो प्लीज़ आप लोग वो प्रीवियस लेक्चर जो है सुन लीजिएगा जिन्होंने मिस किया है। अब वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जी, दिले दिले आप लेक्चर, नहीं नहीं आप करें क्वेश्चन। मैंने कहा था आप जो हमने प्रेजेंट दे, आप ग्रुप में आके भी दे सकते हैं या अकेला अकेला ही दे।
आप बेहतर है, ठीक है, जितनी ज्यादा टॉपिक्स होंगे उतना फायदा होगा, लेकिन ग्रुप्स बना लें। मैम अकेले के लिए ठीक है, ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक है बेहतर लगे। ओके जी, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मैं बता रही थी। अगर आप वेबसाइट्स के ऊपर बैठ के, मतलब देखें ना, जैसे कि ये वेबसाइट ही है, ये भी तो एक वेबसाइट ही है, बेशक गूगल है, लेकिन उसके ऊपर जूम ज्वाइन किया, वेबसाइट तो है ना, हम लिंक जनरेट कर रहे हैं, हम इसके ऊपर इसको एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम इसके ऊपर डाटा शेयर कर रहे हैं, हम इसके ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर कोई फाइल वगैरह जो है वो ओपन कर रही हूँ, तो वो आपकी वेब बेस्ड ट्रेनिंग हो जाएगी। है तो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना, बेशक मोबाइल है, फ़ोन है, वो भी तो एज अ चलता फिरता कंप्यूटर ही है आपका। ओके, सिक्योरिटी एंड कॉपीराइट्स को देखते हैं। आज ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, फिर नहीं कहना कि चैप्टर कौन सा है जी, चैप्टर नंबर 13 है, तो नाम है इसका जी सिक्योरिटी एंड कॉपीराइट्स। तो हमें देखना डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, हमें ये तो पता चल गया डाटा होता है, अब डाटा की सिक्योरिटी भी तो बहुत ज़रूरी है, ओके, डाटा सिक्योरिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। कितना आसान वर्ड है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है, हिफाजत करना ना, किसकी हिफाजत करना, डाटा की हिफाजत करना। मैम आपने स्क्रीन शो की हुई है कि नहीं अपनी? ओके रुक जाएं, वेट में कर रही हूँ। अभी मैं जनरल बता रही थी, सारा ओवरव्यू दिया है मैंने, अब ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके हाँ जी, डेटा सिक्योरिटी ये देख लें, ये चैप्टर है और ये बुक है, चैप्टर नंबर 13 है, सिक्योरिटी एंड कॉपीराइट्स। इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी, ठीक है, इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी, लाइक हमने इसमें देखना है डेटा सिक्योरिटी क्या होती है, डेटा सिक्योरिटी के रिस्क क्या होते हैं, मतलब क्या क्या थ्रेट आ सकते हैं, साइबर क्राइम्स को देखेंगे जो आजकल, ये तो एक टर्म मैंने साइबर क्राइम इससे पहले भी बता दी है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आई थी साइबर क्राइम टर्म्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एथिक्स देखेंगे सोसाइटी में, कंप्यूटर जो है कैसे मैम, उसको शेयर हो रही, किसी को भी नहीं शो हो रही मैम, हो रही है मैम, हो रही है मैम जी, हो रही है। ओके फिर इसके बाद हम सिस्टम फेलियर्स बैकअप वगैरह को देखेंगे, ठीक है जी, यूपीएस वगैरह इन चीज़ों को देखेंगे, अपनी पावर सप्लाई बहुत ज़रूरी होती है, कि अगर हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, हमारा डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाइट का इशू हो तो हमें यूपीएस वगैरह जो है इसके साथ कनेक्टिविटी करवानी है। ओके जी, डाटा सिक्योरिटी की बात करते हैं, डाटा सिक्योरिटी क्या होता है, द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। किसकी प्रोटेक्शन, जब टर्म है डाटा, डाटा सिक्योरिटी है ना, तो डाटा की सिक्योरिटी करनी है, तो डाटा को प्रोटेक्शन देनी है, डाटा को हमने हिफाजत देनी है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। डाटा स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू डिफरेंट रीजन। अब आपका जो डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर है वो लॉस हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, पावर ऑफ हो गई है अचानक से, इशू ये भी हो गया, आपने सेव नहीं किया, डाटा लॉस हो गया, समटाइम आपका सिस्टम करप्ट हो जाता है तब भी डाटा लॉस हो सकता है, समटाइम आप कोई भी हैक वगैरह जो हैकिंग है या अनऑथराइज बंदा आपका डाटा जो है वो चोरी कर लेता है तब भी लॉस हो सकता है। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं डाटा की लॉस होने के, तो दो तरीक़े से हो सकता है, इंटेंशनली और इन इंटेंशनली, दो वे हैं, एक्सीडेंटली हो गया या फिर उसको इंटेंशन के साथ डिलीट किया गया। एक्सीडेंटली तो चले ठीक है, हमें समझ नहीं आया, सेव नहीं कर सके, डाटा लॉस हो गया, लेकिन इंटेंशनल मतलब उसका फोकस था किसी का साफ आपके डाटा के ऊपर, ठीक है, और चोरी कर लिया या फिर उसको लॉस्ट कर दिया या फिर उसको रिमूव कर दिया, परमानेंट डिलीट कर दिया या उस डाटे को डैमेज कर दिया। तो डाटा दो तरीक़ों से होता है लॉस, एक तो कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा जो परमानेंट मेमोरी से भी जाता लगता है, और दूसरा होता है पार्शली, ये अभी है कुछ बाकी होता है, कुछ परसेंटेज होती है कि आप उसको 50% या 60% या 70% उसको रिकवर कर सकते हैं। द डाटा इज़ मच वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट देन द डाटा कंप्यूटर इट्सेल्फ।
साफ सी बात है, डाटा डाटा होगा तो कंप्यूटर आपका पावरफुल है, अदरवाइज कंप्यूटर ने क्या करना है, कंप्यूटर वैसे पड़ा है तो पड़ा रहेगा, तो डाटा ही आपके कंप्यूटर की वर्थ को जो है वो बढ़ाता है। इट शुड बी सेव्ड इन सच अ वे डैट इट मे नॉट बी लॉस्ट और डैमेज। ठीक है, हमें पता है कि हम अपने कंप्यूटर में डाटा सेव कर रहे हैं तो ये लॉस और डैमेज नहीं होना चाहिए, हमें इसको प्रोटेक्शन देनी है, डाटा सिक्योरिटी का पर्पज़ यही है। ओके जी, रीजंस क्या हो सकते हैं आपके डाटा के लॉस होने के, डिफरेंट रीजंस ऑफ डाटा लॉस आर एज फॉलोज, तो हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि सैबोटेज है। अब ये क्या टर्म है, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। सैबोटेज क्या होती है, डैमेजिंग डाटा डेलिबरेटली इज कॉल्ड सैबोटेज। अब हम एक्चुअली हम डाटा जो है इंटेंशनली हमसे हो गया है, ठीक है, डैमेज हो गया है, लेकिन एक्चुअली किसी ने किया नहीं है, ठीक है, आपसे डिलीट हो गया है, तो अब इसको आप दूसरे पर्सन के ऊपर नहीं फेंक देंगे, भाई तुमने मेरा डाटा चोरी किया है या तुमने हैकिंग की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैबोटेज ये टर्म होती है, आपसे ना डैमेज हो गया डाटा या फिर डिलीट हो गया आपकी एक्चुअल स्टोरेज के अंदर से, तो ये टर्म है आपकी सैबोटेज। मशीन फेलियर, जी हाँ जी, सम टाइम आपकी रीज़न ये भी हो सकती है मशीन फेलियर हो जाएगी, मतलब कि आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, आपकी विंडो करप्ट हो सकती है, उसकी वजह से भी डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, हार्ड डिस्क की वजह से तो कोई भी चांस नहीं है कि डाटा आपका रिपेयर हो सके, सम हो है कि कुछ परसेंट आप डाटा रिपेयर करें तो इतनी कोई भी टेंशन नहीं रहता। तो अब जो है ना क्लाउड का दौर है, क्लाउड का दौर है, तो जैसे आप लोगों के भी लेक्चर रिकॉर्ड होके क्लाउड के ऊपर ही जा रहे हैं, बेशक वो यूट्यूब के क्लाउड के ऊपर हैं तो है ना, विजुअली नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, सुन रहे हैं, और इसी तरह आप लोगों के गूगल ड्राइव्स होती हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव्स डाटा वो एक्चुअली वहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक्चुअल मैं अपने सिस्टम में नहीं रख रही, मेरे गूगल ड्राइव के अंदर है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तो इन आपके जो गूगल है वो प्रोवाइड कर रहा है स्पेस, उसके अंदर जा रहा है डाटा। तो ये मशीन फेलियर की वजह से भी हो सकता है डाटा लॉस। सॉफ्टवेयर एरर, हाँ जी, समटाइम्स आपके सॉफ्टवेयर जो है वो फुलफिल काम नहीं कर रहे होते, उसमें टेक्निकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें बग्स आ जाते हैं, बग क्या होता है, कीड़े को कहते हैं ना, तो एरर्स आ जाते हैं, कोई भी डिफेक्ट आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी फेलियर आ गया, रन टाइम इशू, आपका कंप्यूटर जो है वो चलता चलता बंद हो गया, तो ये टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं। ह्यूमन एरर, ये तो बहुत ही कॉमन है, अब आप कहते हैं कि मैं जी PHP करूँगा, ठीक है, आपको HTML का पता ही नहीं है, आप उस कैसे कर सकते हो, ठीक है, और आप क्या करते हैं कि डाटा सीखने बैठते हैं और वो पुराना डाटा भी रिमूव हो जाता है आपसे, तो ये भी एक्सीडेंटली होता है। अब आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा होता कि आपको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आ रहा या फिर आपको ये डाटा चलाना नहीं आ रहा, आपका एक्चुअली मकसद नहीं होता कि हम इसको डाटा को रिमूव करें या ख़राब कर दें, लेकिन आपसे हो जाता है बिकॉज यू आर इनएक्सपीरियंस्ड, आपके पास कोई तजर्बा नहीं है उसको यूज़ करने का, या मेरे पास नहीं है, तो मैं मेरे से वो रिमूव हो जाता है और परमानेंट रिमूव हो जाता है, तो ये ह्यूमन एरर्स होते हैं, ह्यूमन के चांसेस होते हैं कि इन एक्सपीरियंस है, उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, तो ये भी रीज़न है आपके डाटा लॉस होने की। पावर फेलियर, हाँ जी, भी पावर फेलियर तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, जैसे कि अगर पावर तो बहुत ज़रूरी है, पावर होगी तो आप जो पावर सप्लाई, अब ये नहीं कि ताकत वाली बात नहीं मैं कर रही, ये जो आप मतलब सप्लाई होती है, आप करंट सप्लाई हो रहा है, आप कंप्यूटर जो डायरेक्ट चल रहे होते हैं, अब उनको तो पावर सप्लाई लाजमी चाहिए, अगर वो डाउन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो आपका जो सारा डाटा है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सेव नहीं कर रहे होते तो लॉस हो जाता है, तो बेहतर सजेशन यही है कि अपने डाटा को साथ साथ सेव रखा करें, साथ साथ करते रहा करें, जैसे जैसे काम कर रहे हैं साथ साथ सेव करते रहना चाहिए हमें। ओके, अब आते हैं कंट्रोलिंग एक्सेस की तरफ, डिफरेंट टेक्निक्स टू कंट्रोल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स आर एस फॉलोज, तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स है कि जहाँ पे हम कंट्रोल दे रहे होते हैं ना हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। देखिए, मेरा कंप्यूटर है, मेरा पर्सनल कंप्यूटर, मैं चाहती हूँ कि ये मैं इसको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ, ठीक है, या मैं ही यूज़ करूँ, मैं जिसको ये एक्सेस दे रही हूँ बस वही यूज़ करे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है जी कॉल बैक सिस्टम।
तो कॉल बैक सिस्टम क्या चीज़ है? कॉल बैक सिस्टम जो होती है ना, इसमें जो भी हम कनेक्शन वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं, आपकी यूज़र आईडी होती है, आपका पासवर्ड होती है, और डे और टाइम वगैरह जो है वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। तो कॉल बैक सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ नेटवर्क कंट्रोल डैट प्रोटेक्ट्स अ सिस्टम फ्रॉम सैबोटेज। ठीक है जी, सैबोटेज में बता दिया कि इंटेंशनली आप करना नहीं चाह रहे, आपसे हो जाता है। इट इज़ वेरीफाइज के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, वेरीफाइज यूज़र आईडी पासवर्ड एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द यूज़र हु ट्राइज टू एक्सेस द सिस्टम। तो देखिए, कॉल बैक सिस्टम में सारी कंट्रोलिंग एक्सेस हो रही होती है, किस किस की आईडी आ रही है, किसका पासवर्ड आ रहा है, उसका टाइम, उसकी एलोकेशन, उसकी लॉगिन का टाइम, उसके टर्मिनेशन का टाइम। मतलब कि ये चीज़ें अब आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ रही होंगी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या, टर्मिनेशन क्या। टर्मिनेशन होता है जब क्लोजिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो वो सारा जो है उसको नोट आउट करेगा, कितना मतलब उसने टाइम स्पेंड किया है बात करने में, या कोई भी सर्टन और या कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरनेट यूज़ कर रहा है, या कंप्यूटर के ऊपर कोई भी कॉल बैक सिस्टम यूज़ हो रही है। द यूज़र कॉल्स द सिस्टम, एंटर्स अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड, द कंप्यूटर टर्मिनेट्स द कनेक्शन एंड वेरीफाइज यूज़र आई डी पासवर्ड डे एंड टाइम ऑफ डे। अगर हम इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये भी आपके बैकएंड सर्वर के पास रिकॉर्ड जा रहा है कि इस सेशन से, इस कुकीज़ से, इस टाइम पे ये वेबसाइट जो है वो लॉगिन हुई है, और आपका आईपी भी स्टिल इन जो है वो फोकस में होता है। तो बी केयरफुल। द कंप्यूटर देन कॉल्स द यूज़र बैक एट द टेलीफोन टू विच द यूज़र इज़ असाइंड। तो वो देख लेता है कि जिस यूज़र से आपको आई है कॉल, उसी को ही वापस रिप्लाई होता है ना। हमारा कॉल बैक सिस्टम भी यही होता है, जो नंबर डायल किया होता है उसी को ही जाती है। तो सेम एज दैट कि हम एक्सेस दे रहे हैं, ये कंट्रोलिंग एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी जी, टोकन की बात करते हैं। टोकन इज़ हैंडल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम सच एज ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आपकी एटीएम मशीन होती है ना, तो एटीएम मशीन कैसे काम करती है? आइडेंटिटी क्या होती है? आपका कार्ड होता है, आपका साइन होते हैं, ठीक है। उसके बैक पर एक चिप लगी होती है, वो आपका टोकन काम कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ना एटीएम, तो उस वो भी एज अ कंप्यूटर ही है, वो टैली कर रहा होता है कि ये वैलिड है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है। हाँ जी, डिजिटल सर्टिफिकेट्स। कंट्रोलिंग एक्सेस में डिजिटल सर्टिफिकेट्स हम कैसे करते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल आईडी, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट है तो डिजिटल आईडी ही प्रोवाइड होगी। अब डिजिटल आईडी जो है वो ऑनलाइन होगी। अब ये जैसे हमारे हमारे सिग्नेचर होते हैं, इसी तरह आपको डिजिटल आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और वेरीफाई यूज़र आइडेंटिटी ड्यूरिंग शॉपिंग ऑन द वेब। अब आप ऑनलाइन, कल ई कॉमर्स के ऊपर बड़ी हमने डिटेल में बहस की है कि जब हम ऑनलाइन चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन देखें थ्री वेज़ हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप कैश ऑन डिलीवरी कर लें, या फिर आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर लें, या आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करें, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़र आइडेंटिटी कोड मिल जाता है आपको, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक आईडी मिल जाती है, तो आप उसी के ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कर रहे होते हैं। सर्टिफिकेट्स आर इशूड बाई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कार्ड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। हाँ जी, जो आपकी थर्ड पार्टी जो होती है ना, इसके साथ इंडिपेंडेंटली रिलेट हो रही होती है। देखिए, मेरा कार्ड है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ दराज डॉट पीके से। अब थर्ड पार्टी जो है वो दराज डॉट पीके है। मेरा अकाउंट किस है, जिस भी ब्रांच में अकाउंट है, ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब लगा लें या नेशनल बैंक लगा लें, इसमें है अकाउंट। तो अब मैं उसको ट्रांजैक्शन करवाना चाह रही हूँ, तो बैंक से होते हुए ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी के पास जा रही है, दराज डॉट पी के पास। तो वहाँ पे आपके जो इम्प्लीमेंट होते हैं ना, उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटीज। स्मार्ट कार्ड, सबको पता है स्मार्ट कार्ड्स, तो के सामने भी आ गई, उसकी बनी भी हुई है। स्मार्ट कार्ड के ऊपर ये चिप होती है ना, ये एक्चुअली आइडेंटिटी करती है कि ये स्मार्ट कार्ड है या नहीं है। स्मार्ट कार्ड रिजेंबल्स आ क्रेडिट कार्ड बट कंटेन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमरी चिप। देखो भाई, माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमरी चिप। अब तो आप लोगों के सीएनआईसी के ऊपर भी ये चिप बनी होती है, तो अब आप लोग मतलब अगर गुम जाते हैं, कार्ड आपसे लॉस हो जाते हैं, तो वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। स्मार्ट कार्ड्स आर यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम अ मेडिकल हिस्ट्री टू द परचेज ऑफ गुड्स। मतलब कि स्मार्ट कार्ड आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी पर्पज़ के लिए चूज़ करें इसको,
हमने किया हुआ, लाइक आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई भी चीज़ गुड्स वेल्थ जो हैं वो परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, व्हेन अ यूज़र परचेजेस समथिंग द अमाउंट इज़ ऑटोमेटिकली डेबिटेड. तो यहाँ से जो भी डेबिट आपका जो स्मार्ट कार्ड होता है ना, एक होता है डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड एज सच आप स्मार्ट कार्ड के काम पर इनका शॉपिंग के लिए हमें स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत होती है. तो स्मार्ट कार्ड से डायरेक्ट जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, उसमें ये थर्ड पार्टी वाले काम नहीं होते कि थर्ड पार्टी के पास जाएगा फिर ट्रांजैक्शन होगी ईटीसी, दैट्स ऑल इंस्टॉल्ड इन स्मार्ट कार्ड. ओके जी, बायोमेट्रिक सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम ऑथेंटिकेशन, आई थिंक मुझे याद है कि इसका जब फिजिकल क्लास थी तो बायोमेट्रिक का थोड़ा सा कंसेप्ट तब भी बताया था कि डिफरेंट वे से हम कर सकते हैं, रेटिना के बेस पे हो सकती है, पाम की बेस पे हो सकती है, पाम का पता है ना हथेली को कहते हैं हाथ की, और फिंगर्स की बेस पे तो आप लोग वैसे भी करते हैं, थंब की बेस पे, ठीक है जी. फेस की भी डिटेक्शन होती है कि फेस रिकॉग्नाइज करें और आपका सीएनआई सीटीसी सारा कुछ सामने आ जाता है. इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन दैट रिक्वायर्स अ बायोलॉजिकल स्कैन. तो बायोलॉजिकल, अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हुआ है यूज़, ठीक है, तो बायोलॉजी मतलब आपकी बायो इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि हमारे फेस, हमारे जेस्चर्स, हमारा मतलब फिजिकल इसके अंदर इनहेरेंट हो रहा है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के अंदर. इट इज़ अ मोस्ट सिक्योर ऑथेंटिकेशन अप्रोच, इट यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स इंक्लूडिंग वॉइस रिकॉग्निशन. हाँ जी भी, आप मतलब अगर बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे, आपने जैसे उसके ऊपर पासवर्ड लगाया होगा, कुछ भी बोलेंगे तो वो ओपन होगा, आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, वो जो वर्ड आपने बोला है वो रिकॉग्नाइज करेगा. रेटिना, आईज का जो हमारे मतलब लिड होता है, ठीक है, वो रेटिना, आई बॉल जो होता है हमारा, ठीक है, उसको रेटिना कहा जाता है. स्कैंस, उस रेटिना स्कैन, मेरी एक्चुअली रिसर्च इसके ऊपर थी, रेटिना के ऊपर. तो ऐसा होता है कि जब हम रेटिना देखें, आई आई है ना, कोई भी या पर्सन आ गया है तो हमने उसकी डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर कर ली होती हैं. तो अब वो पर्सन आया है, उसने अपनी आई को ऑथेंटिकेट करवाया है, अगर वो वैलिड होगा, मेरी डेटाबेस के अंदर मैच हो जाएगा, तो उसको ओके का मैसेज चला जाएगा. फर्स्ट आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि भई हम ऑथेंटिकेशन डायरेक्टली करने बैठ जाते हैं, नहीं, आपका रिकॉर्ड एंटर होता है, आपका रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर एंटर होता है, देन अगर वो आपकी रेटिना के साथ या फिर किसी भी जेस्चर्स के साथ मैच हो जाता है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है डेटाबेस के अंदर, तो देन वो आपको ओके और ऑथेंटिकेट का रिप्लाई दे देगा, यस यू आर ऑथेंटिकेट पर्सन, यू आर वैलिड पर्सन. थंब प्रिंट एंड फेस रिकॉग्निशन. सो जैसे कि ये फ्लोरिडा हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स मस्ट अप्लाई थंब प्रिंट टू गेन एक्सेस टू अ डेटाबेस कंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल पेशेंट इन्फॉर्मेशन. हाँ जी भाई, यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपसे कैप्चर की जाती है, डेटाबेस के अंदर जो भी आपका डाटा है रिकॉर्ड हो जाता है. ऑथेंटिकेट वैलिडिटी है भाई, हमने एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करना, जो भी डिफरेंट वेज है ना, ये एक्सेस कंट्रोल के हम पढ़ रहे हैं. तो ये देखे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिवाइस रेटिनल स्कैनर ऐसे होता है कि आपको अपने यहाँ पे आई को आगे करना है और उसको वो कैप्चर करेगा. अगर वो आपकी डेटाबेस के अंदर, कंप्यूटर की डेटाबेस के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था ना, डेटाबेस होता है, MS Word है, पावर पॉइंट है, इसी तरह डेटाबेस भी है, तो डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर होंगी तो दैट्स ऑल, वो आपको रिस्पॉन्स देगा. नहीं होंगी तो वो आपको कहेगा कि प्लीज़ रजिस्टर फर्स्ट. ओके जी, फायरवॉल्स, फायरवॉल्स नाम से तो लग रहा है कि जैसे मतलब वॉल, दीवार को कहते हैं, फायर आग को कहते हैं, ठीक है जी. तो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं ना अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, तो आपके इंटरनेट और कंप्यूटर के दरमियान में एक दीवार होती है जो कि हैकिंग मतलब कोई भी वायरसेस ईटीसी से हमें बचाती है, वो होती है आपकी फायरवॉल्स. फायरवॉल इज़ अ प्रोग्राम डैट प्रिवेंट्स आउटसाइडर्स टू एक्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल डाटा. वही बात, इस तरह अगर ये फायरवॉल्स नहीं होंगी, आपको प्रोटेक्शन यही प्रोवाइड कर रहा होता, आप इंटरनेट बड़ा सिक्योरली यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसी फायरवॉल्स की वजह से कर रहे हैं. तो फायरवॉल है सच कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये आपका राउटर ही होता है, ठीक है. तो वो आपको सारी जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना,
वो राउटर्स होते हैं, राउटर्स के ऊपर सेटिंग की होती है, कॉन्फ़िगरेशंस की होती हैं, कमांड्स लिखी होती हैं बेटा, कमांड्स लिखी होती हैं, सिक्योर किया हुआ था। अ फायरवॉल जनरली रन्स ऑन अ डेडिकेटेड कंप्यूटर, ठीक है, डेडिकेटेड कंप्यूटर आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि मैं ये कह देती हूँ कि मैं विंडो डिफेंडर किया हुआ या कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किया वो भी एज अ फायरवॉल काम कर रहा होता है, तो ये लाजमी होनी चाहिए। इट परमिट्स एन ऑर्गेनाइजेशन यूज़र टू एक्सेस द इंटरनेट बट डज नॉट अलाउ द आउटसाइडर टू एक्सेस इंटरनल डाटा, ठीक है, आपने किया हुआ है डिफेंडर किया, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कोई भी सॉफ्टवेयर किया हुआ है कि भाई मुझे वायरस से बचना है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, आप जब इंटरनेट यूज़ करेंगे ठीक है, आपको इंटरनेट भी फायरवॉल प्रोवाइड कर रहा है, बड़ी सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इससे कोई भी आउटसाइडर आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। आप अलर्ट ऑन करें, रियल टाइम पे प्रोटेक्शन अप्लाई करें, अपने सिक्योरिटीज़ को ऑन करें, जैसे कि इस विंडो का विंडो ये आई थिंक विंडो 10 है तो इसके अंदर ऑलरेडी विंडो डिफेंडर अवेलेबल है, ठीक है, तो कुछ है, कुछ हद तक सिक्योरिटी अच्छी है इसकी, अदरवाइज़ थ्रेट तो इसके अंदर आ चुका हुआ है। मैंने एक सॉफ्टवेयर क्रैक किया था, बस उसने क्या किया है, एक रैंसम एरर वायरस होता है, रैंसम एरर बहुत बुरा वायरस है, उसने मेरी सारी जितनी भी फाइल्स हैं उसको इनक्रिप्ट कर दिया है, मतलब अब वो ओपन नहीं होंगी, या फिर मुझे विंडो दोबारा करनी पड़ेगी या फिर मुझे उस सॉफ्टवेयर को जो है दोबारा क्रैक करके यूज़ करना पड़ेगा। तो सम हो ये बताया है कि इनक्रिप्शन क्या चीज़ है, ठीक है, इनक्रिप्शन यूजिंग इनक्रिप्शन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है आपके मैसेज को साइफर टेक्स्ट के अंदर बाय यूजिंग अ की सो डैट द मैसेज लुक्स मीनिंगलेस। अब ये साइफर टेक्स्ट क्या बुला है, इनक्रिप्शन क्या बुला है, हाँ जी, कैप्सूल देखा है, कैप्सूल होता है ना, उसको इनकैप्सुलेट किया होता है, जब हम उसे ओपन करते हैं तो हमें उसके अंदर से जो दवाई होती है बड़ी कड़वी सी मिलती है, तो कैप्सूल डालने का पर्पज़ यही होता है कि हम उसको वैसे ही खा रहे हैं, तो उसके अंदर दवाई को हिडन किया होता है, तो यहाँ पे भी इनक्रिप्शन यही मेथड होता है, अपना जो एक्चुअल मैसेज है उसको छुपा दिया जाता है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करके, डिफरेंट कीज़ लगा के, ठीक है, कीज़ चाबी, जैसे कि ताले हम लगाते हैं और डोर क्लोज़ हो जाता है, हमारा कोई भी की है किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बंद करने के लिए कर रहे हैं ना, हमें नहीं समझ आती कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसी तरह यही है कि यहाँ पे इनक्रिप्शन का मतलब यही है कि अपने जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल मैसेज है, उसको छुपा दिया जाता है डिफरेंट कीज़ को यूज़ करते हुए, तो वो दूसरे बंदे के लिए मीनिंगलेस हो जाता है। हाँ, अगर हैकर है उसको पता है, उसको पता है कि ब्रूट फोर्स अटैक्स लगाने हैं या डिफरेंट क्रिप्ट एनालिसिस अटैक लगाने हैं, तो वो तो उसको ओपन कर लेगा, लेकिन सम हो जिसको पता ही नहीं है कंप्यूटर के बारे में, वो तो उस मैसेज को देख भी नहीं सकता, ठीक है, उसको ट्रिक्स होने चाहिए खोलने के। अब दो ट्रिक्स हैं, कैप्सूल खोलेंगे, दो ट्रिक्स हैं, या तो वो सारा डाटा जो है आपका गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, मेडिसिन गिर जाती है, या फिर कैप्सूल खोलने के भी ट्रिक होते हैं कि कैसे उसको खोलना है। तो इसी तरह ये है, कंप्यूटर में भी इनक्रिप्शन के भी मेथड्स होते हैं, उसको जब हम डीक्रिप्ट करते हैं। हाउएवर द इंटेंडेड रेसिपिएंट्स कैन अप्लाई द की ऑफ डीक्रिप्ट एंड रीड द मैसेज। अगर मैसेज इनक्रिप्ट किया हुआ है, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको डाटा सेंड कर रही हूँ, मैं उसको छुपा के भेज रही हूँ, मैं उसका साइफर टेक्स्ट के अंदर भेज रही हूँ, अब आपने उसको डीक्रिप्ट करना है, आपके पास जो मैंने की लगाई है ना वही वाली की होगी, तो आप उसको ओपन कर सकेंगे, अदरवाइज ओपन नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये जो सारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसीजर होता है उसको क्रिप्टोग्राफी सिस्टम कहते हैं, मतलब आपके डाटा को छुपा के भेजना। ओके जी स्टूडेंट्स, यही तक ही काफ़ी है, हमने आज जो है देखा कि सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी की रीजंस क्या हो सकती हैं, मतलब सिक्योरिटी के रिस्क ही हैं ये किस्म के, कि डाटा लॉसेस कैसे हो सकता है, ये रीजंस भी हो सकती हैं, ये रिस्क भी हो सकते हैं, और मैंने क्या बताया आपको कि कंट्रोलिंग एक्सेस कैसे की जा सकती है, हम बाउंड्री कैसे लगा सकते हैं, हम चेक्स वगैरह कैसे लगा सकते हैं। यस मैम। हाँ जी बेटा, जहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछें, क्योंकि मैम हमसे इजाज़त तो नहीं लेते ना, वो बाद अवकात हमें परमिशन का वो मैसेज भी नहीं आता, फिर भी वो डाटा हमारा ले लेते हैं। किस डाटा की बात कर रहे हैं?
मैम जिस तरह हमारे मोबाइल का टोटल जो डाटा है वो गूगल के पास है अभी, कुछ भी हमने करना है मोबाइल को गूगल के भी हम कर सकते हैं। हाँ तो देखिए हमें ट्रस्ट है तो हम गूगल को यूज कर रहे हैं। हाँ लेकिन मैम वो डाटा हमारा चोरी तो हो रहा है उसमें ना, प्राइवेसी तो हमारी नहीं, प्राइवेसी नहीं बेटा, कोई भी इतना वेला नहीं है कि आपके डाटा को पढ़ते फिरे। नहीं नहीं मैम पढ़ने की बात नहीं है, अब सुने मेरी बात, देखिए वो डाटा ना सर्वर के ऊपर जा रहा है, टोटली मैं चला सकता हूँ जो मर्जी करूँ कर सकता हूँ मैं, आपको सेल को किसी का भी सेल है अगर उसका ईमेल और पासवर्ड है मेरे पास तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके साथ। डेफिनेटली आप तब कर सकते हैं लेकिन गूगल ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अब आप लोगों को यही क्लियर करने लगी हूँ, मेरी बात जरा आप गौर से सुननी है। देखिए आप लोग तो कंप्यूटर के हैं नहीं, तो जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना, कोडिंग में हम जब पासवर्ड होती है ना वहाँ पे हम MD5 SHA फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपका जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है इनक्रिप्ट हो जाता है। आप अगर एक्टिव होंगे आपका सेशन तब तक ऑन होगा, जब आप लॉग आउट कर देते हो तो वो सर्वर से भी लॉग आउट हो जाता है, उसके पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, डाटा स्टोरेज है उसके पास लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सकता। यस मैम ठीक है, उसको यूज नहीं कर सकता, वो उसको यूज नहीं कर सकता, उसके पास आपकी कुकीज जो आजकल व्हाट्सएप सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, पहले तो ऐसा होता था मैम, पहले तो ये जो आजकल व्हाट्सएप सिक्योरिटी की बात चल रही है। जी जी अब उसको भी मैं आप लोगों को क्लियर करती हूं। अच्छा उसकी भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न है। बेटा ऐसे है कि वो पाकिस्तानी जो वेबसाइट है नहीं, ठीक है तो एंड्रॉयड ऐप है व्हाट्सएप, ठीक है अब तो उसका वेब के ऊपर भी है। yes, तो तुर्की वालों ने अपनी ऐप बनाई है बीप के नाम से, ठीक है तो बेहतर है हम क्यों दूसरे ममालिक को फ़ायदा दें, हमें अपने पाकिस्तान अपने मुस्लिम को भी तो प्रमोट करना चाहिए ना। क्योंकि हमारे ज्यादातर जो पहले व्हाट्सएप जो बनाया गया था ना उसका मेन पर्पज यही था कि हमने आउट ऑफ कंट्री किससे बात करनी है तो इजी और सस्ती बात हो उसके, तो फ्री कॉल्स होती हैं हमारी ऐसे समझ लें, तो अगर बीप हम यूज करते हैं तो आउट ऑफ कंट्री में तो मैं मतलब ये इतनी फेमस हो चुकी है, इसके ऊपर करोड़ों में लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, बिलियंस बिलियंस इतनी हो गए हुए हैं। यस मैम तो हम 24 आवर्स में हो गए थे, डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया, आप दोनों रख लें लेकिन आई डोंट नो के सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है तो वाकई थ्रेट होगा। नहीं मैम उसमें उन्होंने फिर वापस कर लिया अपना वो जो प्राइवेसी पॉलिसी थी ना, उन्होंने फिर अपना वो नहीं दिया